हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सेल का बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़ा सा आपको वीडियो बताएंगे। बेसिक में क्या क्या होता है, बेसिक में हम क्या कैसे क्या करते हैं दोस्तों। तो हम कुछ बेसिक से बंदे आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये दोस्तों हमारे पास एक इस तरह से एमएस एक्सेल में ये डार्क कलर का ये देखो एक बॉक्स टाइप का आ रहा है, इसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं दोस्तों। इस सेल पॉइंटर से दोस्तों देखो हम क्या कर सकते हैं, इस सेल पॉइंटर से इस तरह से करेंगे तो हम किसी भी वैल्यू को ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 12 लिखा और ये 124 लिखा, और अगर हम इसको इस तरह कंट्रोलर के साथ ड्रैग करेंगे तो ये हमारा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 25, 26, 27 इस तरह से। इसी पॉइंट को पकड़ के जस्ट हम ऊपर करेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू जो है ये हमारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इसी को दोस्तों अगर इस तरह से ये हमारा पॉइंट आता है, इस तरह से ये हमारा सिंबल आता है, इसको हम अगर माउस के लेफ्ट वाले बटन से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा मूव होगा। और इस तरह से अगर हमारा ये आता है तो इससे हमारा कॉलम जो है कि विड्थ चौड़ी हो जाएगी, ये हमारा कॉलम बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर ये हमारा आता है, इस तरह से अगर इस तरह से हमारा सिंबल बन के आता है तो उसको हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक्सेल की बहुत सिंपल सी ट्रिक है और बहुत सिंपल से चीज़ें हैं जो कि हम अगर नहीं जानते हैं तो हमें एक्सेल चलाने में या एक्सेल यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी टेबलों में दिक्कत आती है, छोटे छोटे काम करने में दिक्कत आती है, तो इस के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर हम एक्सेल में नॉर्मली कोई नंबर टाइप करते हैं, इस तरह से हमने 45, 56 टाइप कर लिया, और हम इसको डायरेक्टली आर के साथ अगर काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा काउंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हमें आर के साथ यानी कि सम का यूज़ नहीं करना है, इस तरह से हमने सम का फार्मूला लगाया है, अगर हमें इसे नहीं लगाना है, डायरेक्टली इनका टोटल करना है, तो उसका एक और सिंपल सा तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल 45 प्लस 56 करना है, ये हमारा टोटल होके हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह से इक्वल अगर हमें 56 या 65 माइनस 40 करना है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। जस्ट इसी तरह से आपको 40 डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 40 इक्वल 40 डिवाइड बाई 2, और ये हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, यानी कि ये हमारा जोड़ हो गया और ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारा भाग हो गया। तो ये आप ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा फंडा है जो कि आप एक्सेल में बहुत सिंपल से कर करके और कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दोस्तों जैसे आपके पास कोई डेट दी हुई है, इस तरह से डेट दी हुई है, और आप क्या करते हैं इस डेट को देखते हैं, और इस डेट में क्या है कि आपने तो 01 टाइप किया, 01 01 टाइप कर रहे थे और आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि 0 आ ही नहीं रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ बंद करना है। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ कस्टम में जाके आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, डेट डेट टेस्ट एम एम टेस्ट वाई वाई वाई, यानी कि दो बार डेट, दो बार एम और दो चार बार वाई टाइप करना, और ये आपका सिंपली 0 लग के आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब ये हमारे पास डेट है दोस्तों, अगर हमें इससे दिन निकालना है, आपको दिन जानना है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। इक्वल टी ई एक्स टी ब्रैकेट ओपन करोगे, इस वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, इस कॉलम को या रो को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ट्रिपल बार डी टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर देंगे, और ये हमारा जो कि दिन निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम छोटी सी चीज़ों से ना बहुत बहुत बड़ी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इक्वेशंस हैं, सॉल्व कर सकते हैं और एक्सेल बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसी और शॉर्टकट ट्रिक्स एंड शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।